गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति फलन 11th क्लास की यूनिट 3rd की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। आपका ही रहा प्रूफ डेट, मतलब सिद्ध कीजिए कि कॉस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स ब्रैकेट में कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π/ प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। आपको सिद्ध करना है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसके लिए फिर से आपको यही आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सर्किल बना दे रहा हूँ, ए 0, ए 90π/2, ए 180π, ए 3π/2 मतलब 270, ये फिर आ जाएगा रिटर्न हो गए 2π। क्लियर? तो आपको ये समझना होता है कि पहले में सभी जितने त्रिकोणमिति फलन होते हैं सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। दूसरे में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, तीसरे में टेन टेन का अपोजिट कॉट, और तीसरे में चौथे में कॉस कॉस का अपोजिट सेक। ये धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो देखते हैं हम, पहले हम लिखते हैं LHS, हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमने लिख दिया है LHS, LHS आपको दिया हुआ है, ये दिख रहा है पूरा, तो हम यहाँ पे से यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं कॉस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स ब्रैकेट में कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π/ प्लस एक्स ब्रैकेट बंद। ये आपका LHS मतलब बायां पक्ष। अब हम देखते हैं कि जो cos 3π/2 प्लस एक्स है, देखो 3π/2 का मतलब होता है 270, 270 आपको यहां दिख रहा है। अब जो ये 270 है आपका, तो ये 270 को क्या करना है, इसमें कुछ थीटा ऐड हो रहा, मतलब प्लस का मतलब क्या हुआ, ऐड हो रहा, तो कहां पहुंचेगा, चौथे में, चौथे में पहुंचेगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, चौथे में कॉस होता धनात्मक, तो कॉस का आपका धन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 90 और 270 में हम कुछ जोड़े या घटाएं, किसकी 90 और 270 की बात करते हैं, तो हमेशा जो भी यहाँ त्रिकोणमिति फलन होता है यहाँ पर वो आपका बदल जाता है। क्लियर? साइन का कॉस में होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक होता है। लेकिन अगर पाई मतलब 180 और दो यहाँ पर 360 की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी आपका त्रिकोणमिति फलन नहीं बदलता है, जो रहता वही का वही रहता है, ठीक है। तो हमारा ए है जो 3π/2 प्लस है, ये कहाँ पहुंचेगा, चौथे में, चौथे में कॉस होता है धनात्मक, ठीक है, तो आपका धन रहेगा, और कॉस जो होता है वो होता है साइन में बदल जाता है, तो कॉस कॉस 270 प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, क्लियर, इंटू कॉस, अब देखो दो दो 2π, 2π का मतलब 360, मैंने बताया ना हमेशा जब भी पाई और 2π की बात करते हैं तो पाई और 2π में कोई भी त्रिकोणमिति फलन नहीं बदलता, जो यहां रहेगा वही आपका रहेगा, तो कॉस का रहेगा कॉस में, और 2π प्लस एक्स मतलब ये कहां पहुंच रहा है, फर्स्ट में, देखो 2π में कुछ जोड़ दो फर्स्ट में पहुंचे, फर्स्ट में सभी धनात्मक होते हैं, ठीक है, तो कॉस का कॉस रहेगा एक्स का एक्स, ठीक है। अब आता है आपका कॉट 3π/2 माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स है मतलब 270 में कुछ घटाओ तो कहां पहुंचेगा, तीसरे में, और तीसरे में आपको पता है 10, 10 का उल्टा कॉट, कैसे होते हैं धनात्मक होते हैं, और कॉट किसमें बदल जाता है 10 में, तो हो जाएगा 10 थीटा की वैल्यू है एक्स, 10 एक्स प्लस ए है कॉट, क्लियर, क्या है कॉट, तो कॉट 2π प्लस एक्स, ठीक है, ए है 2π प्लस एक्स मतलब फर्स्ट में पहुंचेगा, और आपको पता है फर्स्ट में सब सेम मतलब धनात्मक होते हैं, और आपको पता है कि पाई और 2π की बात करते हैं तो कॉट कॉट में ही रहेगा, ठीक है, एक कॉट दो से टेन में बदला, यहाँ पर टेन में नहीं बदलेगा, क्यों आपको पता है, मैं बता चुका हूं बार बार कि पाई और दो 2π मतलब 180 और 360 की बात करते हैं तो कोई भी थीटा नहीं बदलता है, कोई भी त्रिकोणमिति फलन नहीं बदलता है, लेकिन हम 90 और 270 की बात करते हैं तो आपका हर त्रिकोणमिति फलन जो रहता है वो आपका बदल जाता है, ठीक है, तो कॉट का कॉट ही रहेगा और हो जाएगा एक्स, क्लियर, धन में। तो हम यहां पर करते हैं कॉस एक्स, टेन को लिखते हैं साइन बटे कॉस, और कॉट को लिखते हैं कॉस बटे साइन, लिख दिया है हमने। अब देखते हैं हम इनका आपस में लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इनका, तो एलसीएम होगा आपका क्या, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, क्लियर, साइन एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स पहले से, तो हो जाएगा साइन वर्ग मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, यहाँ पहले से कॉस का मल्टीप्लाई इसका इधर में हो जाएगा, इसके इसमें इसका इसमें होगा तो हो जाएगा कॉस वर्ग एक्स, क्लियर, ये हो गया। और आपको साइड में दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका चल रहा है यहाँ से LHS चल रहा है, ठीक है। अब देखो आपको पता है, आपको आइडेंटिटी ये वाली पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। क्या होता है 1। तो देखो इसकी जगह हम एक रख देंगे, ठीक है, और ए आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि देखो आपस में मल्टीप्लाई है कि नहीं, ये मल्टीप्लाई है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। तो आपको ए आ गया आपका एल एच एस, क्या आ चुका है एल एच एस इक्वल टू 1, और आपको आर एच एस भी 1 दिया था, तो ये आपका प्रूफ हो गया है। इस प्रकार से आपको प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। क्लियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमारे सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन है आपके, तो इस प्रकार से आप करिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।